नमस्कार, स्वागत है आपका जीवी न्यूज में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी कार्यशैली के लिए काफी मशहूर हैं। वह देश में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा है कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने भारत से एथेनॉल आयात करने में दिलचस्पी दिखाई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा है कि उन्होंने दोनों देशों की सरकारों के साथ एथेनॉल के बारे में चर्चा की है। नितिन गडकरी ने जैव ईंधन पर CII सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और श्रीलंका के मंत्री से इस बारे में चर्चा की है। बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के लिए भारत से एथेनॉल के आयात को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। वहीं मंत्री ने यह भी कहा है कि 15 दिनों में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ उनकी बैठक है, जिसमें देश में एथेनॉल पंप शुरू करने के लिए नीति बनाने पर चर्चा की जाएगी। नितिन गडकरी ने इस विषय में कहा है कि ग्रीन फ्यूल की वजह से प्रदूषण की समस्या अभी हल होने जा रही है। आपको बता दें, प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रिक हाईवे के निर्माण के साथ ही और इलेक्ट्रिक कारों पर भी सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे ही और भी खास बातें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ पर।